हेलो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन 2022 के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आप कैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 की प्रिपरेशन कर सकते हैं कि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ईजीली फ़र्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाए तो क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी किन किन बातों का ध्यान रखना है कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए या बुक परचेज नहीं करनी चाहिए या फिर आपको स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट की बुक से पढ़ना चाहिए या फिर आपके जो स्कूल में एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस रहा है आपको वो पढ़ना चाहिए मान लीजिए आप यू जी कोर्स के एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या इलेवेंथ ट्वेल्थ क्लास की बुक पढ़नी चाहिए तो आपको कैसे प्रिपरेशन करना है क्या नहीं करना है और क्या करना है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चाहे आप जामिया मिल्ह इस्लामिया का कोई सा भी एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो ईजिली आपका एंट्रेंस टेस्ट निकल जाएगा तो चलिए बात करते हैं एक एक करके आपको एंट्रेंस टेस्ट देने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूँ एंट्रेंस टेस्ट निकालना एक दिन का काम नहीं होता है कोई कहे कि यह पाँच दिन में निकल जाएगा या दस दिन में निकल जाएगा बिल्कुल नहीं अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस एग्जाम सेशन 2022 का निकालना चाहते हैं 2022-23 का तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको पता है सीट्स लिमिटेड है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा हार्ड वर्क भी करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है ये नहीं कि दस दिन में एग्जाम निकल जाएगा पंद्रह दिन में नहीं आपको कम से कम दो से तीन महीने मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी और जब आप मेहनत करेंगे तो आपका एंट्रेंस एग्जाम जरूर निकलेगा तो चलिए एक एक करके अब हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है क्या क्या चीजें करनी है और अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कोर्स की तो जो है चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड हैं और भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं करंट अफेयर्स भी सब एक एक करके जो है आप चैनल पे अपलोड हो रहे हैं और होने शुरू हो भी जाएंगे बहुत सारे और टॉपिक्स के तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बाकी आप डायरेक्ट यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं जनरल अवेयरनेस फंडा ठीक है तो आप ये यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं बाकी मैंने आपको बता दिया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर वन आप किसी भी कोर्स की एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करने चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए यानी जो आपके कोर्स का एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस है आपको वो पता होना चाहिए यानी आपके एग्जाम में क्या क्या टॉपिक्स आने हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है सिलेबस आपने देख लिया कि आपको और सिलेबस की वीडियोस के बारे में बात करें तो ज़्यादातर वीडियोस चैनल पे अपलोड हैं और भी वीडियोस जो अपलोड नहीं है वो अपलोड कर दी जाएगी और सेशन 2022 की भी जो है सारी फ्रेश वीडियोस जो है अच्छे से अगेन अपलोड की जा रही हैं धीरे धीरे तो अगर आपके कोर्स की अपलोड नहीं होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा आपके कोर्स की भी अपलोड कर दी जाएगी तो सबसे पहले आपको एनालाइज़ करना है कि जो है एग्ज़ाम का पहले पैटर्न क्या है और फिर आपको सेकंड स्टेप में सिलेबस को एनालाइज़ करना है पहले आपने एग्जाम पैटर्न देख लिया कि जो आपके एग्जाम में है इंग्लिश पूछी जा रही है अगर हम बात करें नॉर्मल एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या रहता है इंग्लिश आपसे पूछी जाती है रीजनिंग पार्ट पूछा जाता है मैथेमेटिक्स हर में नहीं आती और अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस ये कॉमन है और सोशल अवेयरनेस अगर हम बात करें तो ये तो चार टॉपिक्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाने हैं तो सबसे पहले आपने ये देख लिया उसके बाद सेकंड पॉइंट आपको एनालाइज करना है एंट्रेंस का जो सिलेबस है अब सिलेबस को आप कैसे एंट्राइज करें एनालाइज करेंगे सॉरी तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसलिए ज़रूरी है कि आपको आइडिया लग सके कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है सबसे जरूरी चीज़ आप ये नहीं आप सोचें कि एक पेपर करने से या फिर एक बुक के करने से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा नहीं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं एंट्रेंस टेस्ट की आप छोटी मोटी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको पढ़ना क्या है ये आपको पता होना चाहिए और ये आपको कहाँ से पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उससे आपको आइडिया लगेगा कि जो आपके एग्ज़ाम में चीज़ें पूछी जा रही है वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं यानी जो टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं वो कहाँ से टॉपिक्स आ रहे हैं टॉपिक्स किस पार्ट से आ रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ने बैठे हैं हिस्ट्री पढ़ने बैठे हैं अब हिस्ट्री बहुत बड़ी है पॉलिटिकल साइंस बहुत सारी बड़ी है बहुत सारे आर्टिकल्स हैं शेड्यूल्स हैं तो इतनी सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है देखना है आपको आपके लिए रेलिवेंट क्या है तो उस हिसाब से आपको सिलेबस को फिर एनालाइज करना है जब आपने पेपर में देख लिया कि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं यानी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आ रहे हैं या फिर बेसिक बेसिक आर्टिकल्स आ रहे हैं तो आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, के सॉल्यूशन चैनल पर अपलोड है तो आप देख सकते हैं सबसे जरूरी चीज़ आपको ध्यान रखना है ज़्यादातर कोर्सेज़ के जो है अपलोड हैं बाकी जो अपलोड नहीं होंगी वो भी अपलोड करने की कोशिश की जाएगी तो पॉइंट नंबर सेकेंड आपको क्या करना है सबसे पहले पॉइंट नंबर थर्ड क्वेश्चन पेपर आपको देखना है और उसके हिसाब से आपको सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस करना है कि इसमें आपको पढ़ना क्या है सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एंट्रेंस एग्ज़ाम में कि आपको पढ़ना क्या है अगर आपको ये पता है पढ़ना क्या है तो आप इजीली एंट्रेंस टेस्ट निकाल पाएंगे ठीक है पॉइंट नंबर सेकंड और पॉइंट नंबर थर्ड आपका क्लियर हो गया होगा अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात आएगी कि आप डाउनलोड कैसे करें सिंपल आपको जो है टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो जस्ट आपको टेलीग्राम पेज पे जाना है और टेलीग्राम पेज से आपको अपने कोर्स का पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है पॉइंट नंबर फोर ये सारे स्टेप आपको ध्यान रखने कट ऑफ किसी भी एग्जाम की आप एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको उसकी कट ऑफ जरूर देखनी है अब कट ऑफ क्यों देखनी है इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको स्कोर कितने करने हैं अब मान लीजिए आपका जो पेपर है वो हंड्रेड मार्क्स का है और ये चीज आपको पता होनी चाहिए एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग जरूर है तो नेगेटिव मार्किंग को भी आपको ध्यान में रखना है अगर आपको पता चल रहा है कि आपके कोर्स की कट ऑफ फिफ्टी फाइव जा रही है तो आप ये मान आप के चलिए आप टारगेट लेके चलिए सिक्सटी प्लस का आप टारगेट एक्स्ट्रा लेके चलिए और ये नहीं सिर्फ आपने टारगेट ले लिया प्रिपरेशन नहीं करें नहीं आपको प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करनी है आप जितनी मेहनत करेंगे आपके लिए उतना आसानी होगा एंट्रेंस एग्जाम निकालने में तो आपको बहुत बढ़िया से और बहुत अच्छे से मेहनत करनी है तो आपको टारगेट लेके चलना है अगर कट ऑफ आपको दिख रहा है कि कट ऑफ इतनी जा रही है तो आप टारगेट उसमें जो है फाइव टू तो टेन मार्क्स एक्स्ट्रा लेके चलिए अब कई कोर्स होते हैं जिसकी कट ऑफ हाई भी जाती है और कई कोर्स होते हैं जिसकी कट ऑफ लो भी जाती है कट ऑफ हाई जाएगी या फिर लो जाएगी या फिर हाई जाएगी या फिर लो एक तो होना ही है और एवरेज भी रहनी है नॉर्मली क्या होता है ज़्यादातर कोर्सेज की एवरेज रहनी है लेकिन ज़्यादा और कम किस सिचुएशन में होता है ये डिपेंड करता है पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल अगर पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया तो कट ऑफ डाउन हो जाएगी और पेपर अगर बहुत ज़्यादा आसान आ गया तो पेपर सीधी सी बात है आपको पता है पेपर आसान आ गया तो कट ऑफ बढ़ जाएगी तो आपको एक बार अपने कोर्स की कट ऑफ जरूर देखनी है पॉइंट नंबर फाइव स्टडी मटेरियल अब देखिए यहां पर सबसे जरूर एक स्टडी मटेरियल और पॉइंट नंबर सिक्स गाइड क्या कोई एक बुक से आप एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं बिल्कुल नहीं अगर हम बात करें एक बुक आती है हाँ बुकें बहुत आती है एंट्रेंस टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए पर अगर आप कहें एक बुक से एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी तो ये बिल्कुल कहना गलत है अब वो एक बुक हर बच्चा पढ़ सकता है आप भी पढ़ सकते हो वो कोई भी बुक पढ़ के आराम से रट के ऐसे तो मार्क्स आ जाएगा बिल्कुल तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक बुक से आपकी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं होगी आपको जो भी प्रिपरेशन करनी है सबसे पहले आपको अपना स्टडी मटेरियल खुद तैयार करना है खुद तैयार करना है का सिलेबस देख लिया टॉपिक्स देख लिए इन इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है एक एक करके आप अपना स्टडी मटेरियल बनाना तैयार करें स्टडी मटेरियल आप खुद बनाएं नोट्स की फॉर्म में बनाएँ या फिर आपने बुक परचेज कर ली है जीरोक्स मतलब जैसे भी आपने किया है। आपने बुक्स परचेज है कि मतलब इस टॉपिक को आपने यहाँ से पढ़ा है उस टॉपिक को आपने वहाँ से पढ़ा है समरी तो आपको बनानी है नोट्स तो आपको बनाना है वो अभी हम लास्ट में बात करेंगे तो स्टडी मटेरियल सबसे पहले आपको इकट्ठा करना है कि आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं कहाँ से पढ़ने हैं किस किस चीज़ को फॉलो करना है सबसे ज़रूरी चीज़ प्रैक्टिस एम क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा करने हैं क्योंकि आप एग्जाम में एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हैं और अगर आप बिना एम सी क्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जाएंगे तब आपको प्रॉब्लम हो सकते सबसे पहले आपको अपने कोर्स का आप रेलिवेंट स्टडी मटीरियल ध्यान रखना है जो रेलिवेंट हो आप एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करेंगे तो गाइड के बारे में आपका डाउट क्लियर हो गया हो कि कोई एक बुक आती है नहीं कोई एक बुक से आप कोशिश भी मत कीजिएगा अगर आप एक बुक से सोचेंगे तो फिर आपका एंट्रेंस टेस्ट निकालने में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी तो ये आपको ध्यान रखना है अब लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट्स और उसके बाद हम बात करते रिविजन की तो जितना भी आपने पढ़ा आपको उसको शॉर्ट नोट्स में बनाना है अगर आपके पास अभी तो सफिशेंट टाइम है एंट्रेंस टैक्स की प्रिपरेशन करने का आपको देखना है आपके पास टाइम कितना है अगर आप तीन चार महीने पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास सफिशेंट टाइम है एंट्रेंस टेस्ट के लिए तो आप आराम से डिटेल में भी नोट्स बनाइए और शॉर्ट में साथ साथ बनाते हुए चलिए जो आपको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है तो आप उसको वन लाइन में लिख लीजिए बाकी सारा आपको करना ही है ताकि लास्ट मिनट में जब लास्ट टाइम बचे यानी जो एग्ज़ाम हो जिस दिन आपका उससे दो से तीन दिन पहले आप आपने जो डिटेल में नोट्स बनाए होंगे आप वो नहीं देख सकते बुक नहीं देख सकते लेकिन जो आपने वन लाइन में बनाए होंगे वो आपके काम आ जाएंगे तो ये आपको ध्यान रखना है तो ज़रूरी है कि आपको हर चीज़ का आपको नोट्स बनाना है ताकि आपको एग्जैक्ट आप एक कॉपी अलग से आपकी बन जाए कि आपको अब ये सारा पढ़ना है अब वो एक कॉपी आपने कैसे बनाई होगी आपने इधर उधर से कंटेंट इकट्ठा करके आपने कुछ टॉपिक्स किसी बुक से कुछ टॉपिक किसी बुक से आपने देख लिया कि हाँ ये ये टॉपिक सारे पढ़ने हैं ये सारे रेलिवेंट्स टॉपिक हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट आने वाले हैं तो ये सब आपने कर लिया फिर आप उसके बाद आता है आपको शॉर्ट नोट सारे आप बना लेंगे ये सब करने के बाद आपको ध्यान रखना है मिनिमम आपको रिविजन अब आपने सारा पढ़ लिया और रिविजन ही नहीं दी तो सारी आपकी मेहनत खराब हो जाएगी तो सबसे जरूरी चीज जो है वो है रिविजन अब बात आती है कि रिवीजन कितने दिए अब देखिए रिवीजन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कैचिंग पावर कितनी अच्छी है आपने एक बार पढ़ लिया आपको अच्छे से याद हो गया एक रिवीजन काफ़ी है लेकिन आप अगर लग रहा है कि हाँ आपकी थोड़ी कैचिंग पावर स्लो है तो आप कम से कम तीन से चार बार रिवीजन ज़रूर करें आपको पता है कि जब आप फर्स्ट टाइम रिवीजन करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा हो सकता है फ़र्स्ट टाइम रिवीजन आपने करी आपको दस दिन लग गए लेकिन जब आप सेकेंड टाइम रिविज़न करेंगे तब आपको दस दिन नहीं लगेंगे फिर आपको सात ही दिन लगेंगे हो सकता है कम लगे फिर जब थर्ड टाइम रिवीजन करेंगे तो आपको फोर डेज लगेंगे फिर ऐसे ही जब आप फोर्थ टाइम रिवीजन करेंगे तो आपको जो है दो ही दिन लगेंगे तो जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करते जाएंगे आपका टाइम उतना कम होता जाएगा क्योंकि आपको अब आप वो टॉपिक्स दिमाग में बैठ गए हैं तो आप वो ईजिली कर पाएंगे तो अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखें ध्यान रखना आपको रेलिवेंट बुक लेनी है अगर आपके में करंट अफेयर्स है तो आपको न्यूज़पेपर फॉलो करना है मैगजीन फॉलो कर सकते हैं देखिए करंट अफेयर्स का बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसका एरिया बहुत वाइड है तो वहां आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन जहां एरिया रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ यानी कि जहाँ एरिया आपको पता है कि इसमें से क्वेश्चन आने तो वहां पर आपको सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और जिस पॉइंट में आपको पता है कि इसका तो एरिया बहुत वाइड है वहाँ भी आपको प्रिपेशन जरूर करनी है लेकिन हाँ वहाँ पर आपको कम ध्यान देना है और पेपर को एनालाइज करना मत भूलना बाकी सारे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इसके अलावा आप लोग कोई और डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हैं थैंक यू